Assalamu alaikum dear students, the topic that will be discussed today is mineral nutrition in plants. Mineral substances, inorganic molecules, but minerals are inorganic, inorganic molecules in soil are present in soil, that is plants are present nutrition. मिनरल न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम है, ये मिनरल्स हैं जो तो प्लांट्स के सिर्फ है, सिर्फ जमीन में जा वाटर की जरूरत न होती है, पर मिनरल्स भी जो कैसे घुर्बल होता है वो जरा मिनरल्स की डेफिशिएंसी थी यानी कमी थी तो रिजल्ट नतीजो होंगे, रिजल्ट नतीजो प्लांट की ग्रोथ स्टॉप थी वी, ओवरऑल यील्ड या पैदावार घट मिली तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जैसा माना मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स बाय द प्लांट्स एंड यू सी दे हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स. और हमें नंबर वन ते जैसा है नाइट्रोजन. वी नो नाइट्रोजन इज नॉट अ सॉइल एलिमेंट, नाइट्रोजन इज द एलिमेंट ऑफ एयर, एयर जो एलिमेंट है एंड इन एयर it is about 78 or 79% by weight, takriban 78 ya 79% by weight hum gaya hai air ke andar, and ya aahe the air element but it becomes available in the soil in the form of NO3 nitrate ke form mein, jada atmospheric nitrogen je ka hum gaya hai वहाँ नाइट्रेट के फॉर्म में होंगे तद प्लांट्स पांजे रूट के जरिए उनके टेकअप कर सकंदा, ये न खणी सकंदा हैं प्लांट्स के कहन वो जमीन में मौजूद नाइट्रेट के का होंगे है वो नाइट्रेट खणदा, ये डायरेक्ट एयर में जा नाइट्रोजन खणी न सकंदा है, जो रूट के जरिए खणदा पर वो भी नाइट्रोजन माना एलिमेंट के फॉर्म में है वो कंपाउंड NO3 के फॉर्म में खणदा, कड़े फॉर्म में NO3 या फिर ना सा नाइट्रेट चौंदा सी नाइट्रेट के फॉर्म में खणदा. आए सॉइल एलिमेंट तो आए ना या नाइट्रोजन, तब सॉइल में अवेलेबल किए थे बेटा सॉइल में मौजूद जेके बैक्टीरिया होते हैं या कैसा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चौंदा सी या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट टू NO3 यानी नाइट्रेट एंड दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. एकड़ो तो यो इन गुड तक खबर आ ब्लू ग्रीन एलजी जैसे साइनो बैक्टीरिया भी चवन नॉस्टॉक वगैरह उनमें हेट्रोसिस्ट वो सेल हों दैट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट टू NO3. या वरी कदा कदा जैसे मीह वसंद गजगोट थी थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटिंग माना गजगोट जैसा खेवणी लगन तक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होंगे है मथे जरा खेण लगंदी है माना जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आंदी है तो ऑक्सीजन ही नाइट्रोजन रिएक्ट करे NO2 माना नाइट्राइट के फॉर्म में जमीन में इंदिया है अगते ही करे वो वरी कन्वर्ट थी जाए NO3 में बर इन तरीके से जो को आसो नाइट्रेट जे सूरत में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कई विधि बर यो एयर जो एलिमेंट है. नाइट्रोजन जो होंगे दैट इज वेरी इसेंशियल जरूरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड जेतरा भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रोजन का सिवाय तो नठंदा है माना अमीनो एसिड जे फॉर्मेशन ला जरूरी है, न्यूक्लिक एसिड जे फॉर्मेशन जे ला जरूरी है, प्रोटीन फॉर्मेशन जे ला जरूरी है. हाने जेकर जमीन में सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होंदी तो ये नठे सकंदा, इवन क्लोरोफिल जे का होंदे ना वो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो इन का सिवाय क्लोरोफिल भी नठे सकंदी, लिहाजा जरा नाइट्रोजन की कमी होंदी सॉइल में तो उनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स से कैसे कड़ा थींदा. हूं तो ओवरऑल में जो है जो चार एलिमेंट हैं यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ए कैल्शियम इन जा डेफिशिएंसी सिम्टम्स माना इन चैनी के कम एक के कमी के करे डेफिशिएंसी सिम्टम तकरीबन सागा है मोर ऑर लेस थोड़े घने फर्क से तकरीबन सागा है, पर जदा हाने नाइट्रोजन अवेलेबल न थे तो को डेफिशिएंसी सिम्टम्स कड़ा होंगे माना नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स कड़ा होंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स उन्हें जरा नाइट्रोजन की कमी होंगी
The leaves they can say that turn pale yellow. माना फिकान माय लेकिन से लीव्स ही इंदा आए वो फिकान माय लेके लीव्स होंदा वो वरी क्रीप जल्दी पौना है फॉलिंग थी बेओ छा थी तो सेंटिमियन एंड सेल इलांगेशन इज इनहिबिटेड सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन सेल डिवीजन माना है को सेल मा वराइज करब इन मा चार ही प्रोसेस जो कहूंगा वो भी इनहिबिट थिंदो माना रुक जिंदो स्लो थिंदो आए जो सेल जो पास इलांग माना लंबो थिंदो है यो प्रोसेस तो पो समझो था तो जरा सेल डिवीजन जो प्रोसेस देखो है ओ स्लो थी वने या इनहिबिट थे नाइट्रोजन जे कमी ये करे तो पो ताए खबर आए ता रेट ऑफ ग्रोथ प्लांट जो जाहिर गला ना घट ही हो नंबर 3 पॉइंट के देसो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड सेलुलर रेस्पिरेशन जो को एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है द रेस्पिरेशन प्रोसेस माना ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो पाए ना वो ब घट जी विंदो नतीजे में एनर्जी फॉर्मेशन छ त स खबर पड़ी है चैप्टर नंबर 11 में द रेस्पिरेशन प्रोसेस या सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कोंदो है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जो को बेन सबनी प्रोसेस के लिए जरूरी है वो जो को है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड वो भी असर अंदाज दिंदो वेंस कुछ प्लांट्स है वरी छा हुंदो है सबनी में ना इन सम प्लांट द वेंस टर्न पर्पल और रेड वो जो का प्लांट में रंग होने ना ता प्लांट जो बियो तो ता के खबर शायद आए पर जे कदा सा का लीफ के खणी दिसंदा सी पन के रोशनी के सामने दिसंदा सी ता के सनडी सनडियो रंग या वेंस नजर इन जान तो कुछ प्लांट्स में वो वेंस जे के होने है दैट टर्न पर्पल और रेड छो त फाइको एरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन डेवलप थी दो वो केमिकल जो कौन दो वो पांचो कलर दी दो आए उन खाए लावा प्लांट ग्रोथ रिमेंस स्टंटेड प्लांट ग्रोथ है भी हुंदी जरा सेल इलांगेशन एंड सेल डिवीजन जो प्रोसेस रुक बहुत जाहिर गला त प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ जो को प्लांट जो मना वाद बूटो न कंदो बेचारो जी हां अर्ली सिनेंसिस माना पोड़ा पे जो कासा जल्दी है चीज़ बूटो जो कासा जल्दी है मैं उन्हें जी जो कासा एजिंग प्रोसेस तेज थी विंडो माना जल्दी है मैं बूटो जो कहूँ दो है वो पोड़ा पवारे पासे विंडो एंड डेथ थी विंडो नजी एंड लीफ फॉल ऑफ दी पन्न करेंगा जो तब क्लोरोसिस प्रोसेस थी दो ना क्लोरोसिस माना जो का क्लोरोफिल आए वो नटानी बूटा पन्न जो का कलर जो कहती विंडा वो पेल येलो थी विंडा तो किरी पौधा उन खाए लावा प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी सीड की जेका डॉर्मेंसी हुंदी आ सीड डॉर्मेंट आ इनएक्टिव आ वो जेका प्रोलॉन्ग माने वदी विंदो माने सीड डॉर्मेंट थी विंदो माने जर्मिनेशन जे लाग रेडी न हुंदो जेकर नाइट्रोजन जी कमी आ सीड जे अंदर बूटे के कमी मिलंदी तो न जो सीड वेड़ो ही कमजोर जो पासो थिंदो त नाइट्रोजन जी कमी सा जे कन से इन किस्म जा प्रोसेसेस थिंदा त बियो जो को मिनरल न्यूट्रिएंट आ है वो है फास्फोरस बेटा फास्फोरस जो है दैट इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट छा जो एसेंशियल एलिमेंट आ ए यो प्लांट जो है सो टेक अप करना है फास्फेट की सूरत में सोइल मान करना फास्फेट की सूरत में यानी H3PO4 की सूरत में खणदा है जे प्लांट जो है नाइट्रोजन खणदा है NO3 के फॉर्म में त इते फास्फोरस जो है प्लांट्स पंजे रूट के जरिए खणदा H3PO जे फॉर्म में माना फास्फेट फास्फेट जो लॉरिन है फास्फेट जे सूरत में फास्फोरस खणदा फास्फेट जी सूरत में सॉइल बना खणदा है ताने खबर है फास्फोरस साजे ना जरूरी है फास्फोरस जे काशा वो प्लांट में फ्रूट एंड सीड्स में स्टोर थी दिया एंड या राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में रोल प्ले कर दिया एंड यह तमाम जरूरी है फास्फोरस जे काशा That is also essential for essential जरूरी है छाला है जरूरी है for cell membrane के लिए जरूरी है nucleic acids में भी phosphate होनी है phosphate group पढ़िए हम माना nucleotides में उन्हें के लिए जरूरी है cell membrane जो essential constituent है ATP जो कौन सा essential constituent है माना cell membrane के लिए जरूरी है nucleic acids के लिए जरूरी है ATP जो कासो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है एंड या फास्फोरस जो काम किया है वो एनर्जी ट्रांसलोकेशन में अहम किरदार अदा कर दिया माना फूड जो को ठंदो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो का ठंदिया है लीव्स में
और फास्फेट के करे जो ट्रांसफर थी है स्टोरेज ऑर्गन्स में, स्टोरेज ऑर्गन्स कड़ा हुंदा इन सीड्स फ्रूट्स या वेजिटेबल जे कंदा उन जला जरूरी आ। जेकर डेफिशिएंसी थे इन की डेफिशिएंसी थे तो पो ता खबर छा थी दो कैंडल एक्टिविटी इज चेक कैंडियम छा गया सेल्युलर लेयर यो सेकेंडरी ग्रोथ जो यानी सबब है कैंडियम अ सेल्युलर लेयर द एक्टिविटी ऑफ व्हिच दैट रिजल्ट्स अ प्लांट टू इंक्रीज इन डायमीटर आर इन गर्थ माना डायमीटर में या गर्थ में जो कासो बूटो होता है ना आयो जका कैंडियम एक्टिविटी होती है वहा फास्फोरस जे कमी जे करे वहा घट जी विंदी है। फास्फोरस जो है जेकर फास्फोरस घट है तो कैंडियम एक्टिविटी जका कैंडियम सेल्युलर लेयर है ना ब लेयर होता है एकड़ो का कोर कैंडियम में भी होता है वेस्कुलर कैंडियम उनकी एक्टिविटी घटी होती तो जाहिर गाल बूटो सेकेंडरी ग्रोथ करे न सकंदो टाइलरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज रिड्यूस्ड टाइलरिंग जो है बूटो जो नवा नवा गौच कढ़ो है समझा लफ्ज गौच सिंधी वाली गाल कुछ बार घट समझ में इंदी बाबड़ा है रूट है जो स्टेम तो बूटो जो हों ना वो वरी ब्रांच वरी लेटरल ब्रांचेस में वरी ब्रांच नवा नवा गौच नयू टाइल टाइलरिंग माना गौच कढ़ क्रॉप प्लांट जो साइड ब्रांचेस या वरी जो है ये गौच कढ़ने वाला अमल जो है वो भी घटी वो नंबर थ्री तो डारमेंसी इज प्रोलॉन्ग माना डारमेंसी माना इनएक्टिविटी वही उन अलावा ग्रोथ इज रिटार्डेड बूटे की ग्रोथ भी घटी वी फॉस्फोरस की जैसे कमी होंगी एंड काजेस एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो होंगी वह जिते छी माना लीव्स में वह उते ही ये कैसा बीजी विधि है उते एक्यूमुलेट माना स्टोरेज थी है पांच स्टोरेज ऑर्गन माना सीड्स ना या वेजिटेबल्स ना या फ्रूट्स ना ट्रांसफर कार्बोहाइड्रेट थी न सकंदी है एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज रिड्यूस छ थे पड़ी आसी तो केमिकल एक्टिविटी जने चेक थी वही तो जाहिर गल है तो सेकेंडरी ग्रोथ इज रिड्यूस्ड माना बूटे की जेका है वह थोल या मोटाई वो अमल जो है वो घट जी वो तो बेटा नंबर थ्री ते है पोटेशियम के पोटेशियम इज एसेंशियल मिनरल फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द सॉइल जमीन में जो है सो हर वक्त मौजूद हों सी सॉइल में जो है सो मौजूद है पोटेशियम पोटेशियम दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हिकड़ो तो कम यो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वर्क कंदो बियो बियो वर्क या फंक्शन है जो होंगे है के इट इज अ एंजाइम एक्टिवेटर एंजाइम जो एक्टिवेटर इन का वधिक मतलब ही जेका पोटेशियम है वह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कंदी माना ग्लूकोज ऑक्सीडेशन वगैरह में बियो कम पोटेशियम जो जोका वो एंजाइम एक्टिवेटर जो भी है माना एंजाइम के एक्टिव कंदो पर इन का वधिक जो सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द पोटेशियम इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट दैट इज इन्वॉल्वड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स बेटा एस्टोमेटा लीव्स में होता है ना सोराख एस्टोमेटा पोर्स उन्होंने एस्टोमेटा जे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा पोर्स उनमें इन्वॉल्व जब पोटेशियम की कमी थी तो एंजाइम एक्टिवेटर जो पासो घट जो तो केमिकल रिएक्शन घट थींदा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म घटी वी एस्टोमेटा पोर जर ओपन हों तो ओपन रही जन क्लोज आए तो क्लोज रही अड़े तरीके से रिजल्ट समझी सको था तो बूटे की ओवरऑल ग्रोथ इवन बूटे के लाइफ के ही खतरो हों तो भी एसेंशियल मिनरल जो है सो आए जो सॉइल में मौजूद जी बेटा तो नंबर फोर से जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वह है मैग्नीशियम एम जी मैग्नीशियम भी is also a soil mineral that is very essential
फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, माना कार्बोहाइड्रेट जेका मेटाबॉलिक रिएक्शन सा उनमें किरदार अदा करे, फैट सिंथेसिस में, माना फैट जे सिंथेसिस में अहम किरदार अदा कर दिया या मैग्नीशियम। उन अलावा ये जेका फास्फेट माफ कंदा मैग्नीशियम है वो फास्फोरस जो कैरियर सॉइल मजा फास्फोरस कैरियर जो कम भी कर दिया। फास्फोरस कैरियर जो वर्क है एक्ट्स एज अ फास्फोरस कैरियर, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शुगर मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मैग्नीशियम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द फैट एंड द मैग्नीशियम इज आल्सो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो भी जो कासो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जने डेफिशिएंसी सिम्पटम जो कासो थिंदा माना जने डेफिशिएंसी थे कमी थे तो छा थी तो पो क्लोरोसिस थी। क्लोरोसिस क्या है बेटा? क्लोरोसिस जो कासो माना लीव्स जो लीव्स से क्या होना है पन्ना जे क्या होना है वो पन्ना यानी लीव्स उन्हें भी क्लोरोसिस प्रोसेस जो है थी दो तो क्लोरोसिस जो है माना लीव्स जे के हैं ना उन्हें जो कलर माना क्लोरोफिल जे काम दिया है उन क्लोरोफिल वह डी कलरेशन थी उन्हें माना वह जगह क्लोरोफिल आए वह उन्हें जो फॉर्म वो नरम दो माना पन्ने या लीव्स जे के इनसे डी कलरेशन जा तरफ होगा माना जो कलर जो है वो चेंज थी विंदो जो लीव्स जो लीव्स जो कलर चेंज थी विंदो क्लोरोसिस माना क्लोरोफिल जी घटताई छोटा जरा मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो पास एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना एलिमेंट है ना ता जे कहे क्लोरोसिस प्रोसेस माना क्लोरोफिल की कमी। एब्सिशन ऑफ द लीव्स माना लीव्स की एब्सिशन, एब्सिशन जी माना हम दिया है फॉलिंग ऑफ लीव्स माना लीव्स क्रीप होंदा पन्ना जे कंसे डी कलर थी करे फिकर माल थी करे क्रीप होंदा। डीफोलिएशन थी जेकर मैग्नीशियम की कमी हुए तो डीफोलिएशन की माना है नवा लीव्स वगैरह डेवलप न थी सकंदा। उन खां अलावा नंबर जो को चौथो है तो लीव्स डेवलप नेक्रोटिक स्पॉट्स माना लीव्स से नेक्रोटिक स्पॉट्स जो कैंसर थी ना स्पॉट माना दाग नेक्रोटिक स्पॉट्स जो को आसो जी माना हम दिया है तो ये जी बाह सड़ा दाग दाग थी पन पन ते हने जाते हने जाते हने जाते वो है नेक्रोटिक स्पॉट्स थी पोंदा। आई जरह एड़े के समझ की कैफत अचे जो लीव्स जो पासो क्रीपन या लीव्स जो कलर जो कासो न रहे क्लोरोफिल जी कमी थे न मैग्नीशियम जे कमी जे करे छ तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना जना क्लोरोफिल जे का ऐसा उन जी कमी दी विनी अली तो नतीजे में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस मुतासिर थी दो आई जना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस मुतासिर थी दो तो जाहिर गल है ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ जे का है वो न थी सकंदी आई ओवरऑल जे करे क्रॉप प्लांट आ है तो उन्हें ये साखे ओवरऑल यील्ड या पैदावार भी घट मिलंदी तो ये जे कैंसर डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आइन बरहाल मिनरल्स जे कौन दन जमीन में मौजूद प्लांट्स पंजे रूट जे जरिए खणदा और जे ग्रोथ दे लाई चार ही जे कैंसर मिनरल्स सफा जरूरी असन जी टॉपिक जे का साइड पे पूरी थी थे वरी इंशाल्लाह जो कासो नई टॉपिक सा जो कासो मिलंदासी तेसी तई आमिर खान के लीदा इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।